पक्के हरियाणा के सभी वीडियोस पाए सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। साइकिल पर सवार ये जीवन साथी अपनी जिंदगी के नए सफर पर निकले हैं। ये दिन इन दोनों के लिए बेहद खास, दोनों की शादी जो हुई है। दूल्हा दुल्हन को अपने घर ले जा रहा है। ऐसे में आप ये सोच रहे होंगे कि आजकल जहां दुल्हन की विदाई ज्यादातर कार या हेलीकॉप्टर में करने का चलन है, तो यहां ये साइकिल क्यों? लगभग 20 किलोमीटर के रास्ते में खड़े लोग भी नवविवाहित जोड़े को साइकिल पर देख यही सवाल पूछ रहे हैं। तस्वीरें पंजाब के भटिंडा स्थित गांव रामनगर की हैं। यहां के एक नौजवान ने समाज के लिए बड़ी मिसाल पेश की। नाम है गुरबख्शीश सिंह, जो बचपन से ही शादी पर होने वाले खर्च और दहेज प्रथा के खिलाफ था, और इसी वजह से उन्होंने कुछ अलग करने की सोची। कोई मान लो और कोई पैलेस वगैरह नहीं सीगा। ठीक है। ते बिना खर्चे तो ब्याह होएगा साइकिल से सिंपल। ते कोई बरात नहीं हैगी मान लो अपने घर घर दे 10-10-12 जने। मैं इन्हूं मैसेज देना चाहना भी जेडे वाधू खर्चे आ पैलसा दे ते होर लोग गड्डियां चक के फा लैंदे आ, उन्हां नूं बेनती आ भी यह सारा कुछ छड्ड के भी थोड़ा समझण की लोड़ आ। अपने भाई के इस कदम पर गुरबख्शीश सिंह की बहन बेहद खुश है, वही दादा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। मेरे ब्रदर का नाम गुरबख्शीश सिंह है। उन्हां दी बचपन दी जदों तों उन्हां नूं मतलब पता चलिया सी इह दाज दहेज बारे, उन्होंने डिसाइड करिया सी मैं कोई दाज नहीं लेना हैगा, ते जिहड़े मैं मैरिज हो किसी वड्डियां गड्डियां दी थां ते सिर्फ साइकिल ते लैके आउणा अपनी पत्नी नूं। उन्हां ने अज इह करके विखायागा। मानदी रीत सीगी ते कई सालां तों कहिंदा सी वी अखीरला ब्याह ही हैगा, कहिंदा मेरा ब्याह तां होर ही रंग दा होऊगा, होर ही हिसाब दा होऊगा, वी जिहड़ा कुछ तुसीं इकट्ठ वट्ठ करना हुण कर लो, आ हुण ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨੇ ਵਰਤਿਆ ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ। ਦਾਜ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਦਾਜ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲੇ ਇਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਡੋਲੀ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਪੈਲਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਈ ਜਾਣੇ ਪੈਸੇ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨੇ। फिलहाल ये शादी साइकिल पर आई डोली के कारण चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं ये उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो शादी में फिजूल खर्च करते हैं और बाद में कर्ज के बोझ को उठाना पड़ता है।